एक्सप्रेस वे के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों की मुराद अब पूरी हो गई है। 9000 करोड़ की लागत से बनी 29 किलोमीटर की ये सड़क बेहद खास है। इस एक्सप्रेस वे के बन जाने से एनसीआर के लोगों को न सिर्फ जाम से मुक्ति मिलेगी बल्कि प्रदूषण में भी कमी की उम्मीद की जा रही है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। पीएम मोदी ने इसका खुद जायजा लिया। यहाँ पीएम मोदी के साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी दिखाई दिए। इस मॉडल के जरिए पीएम मोदी सड़कों को समझ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। तो चलिए अब आपको इस रोड की खासियत के बारे में बताते हैं। ये देश का पहला एक्सप्रेसवे है जो सिंगल पिलर पर 8 लेन का एक्सप्रेसवे है। इसके निर्माण में 2 लाख एमटी स्टील का इस्तेमाल होना है, वहीं 20 लाख CUM कंक्रीट का इस्तेमाल भी होना है। इसके शुरू होने से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर जाम से राहत मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे पर यातायात की सुगमता और सुहावने सफर के लिए सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, हाईटेक टोल मैनेजमेंट सिस्टम, CCTV कैमरा, सर्विलांस आदि अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल भी किया गया है। इसको 4 हिस्सों में बांटकर तैयार किया गया है। दिल्ली में 10 किलोमीटर का हिस्सा आता है जबकि 18 किलोमीटर का क्षेत्र हरियाणा में पड़ता है।